अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को कलर मिक्सिंग करना बता रही हूँ। यानी दो कलर को मिला के आप तीसरा कलर कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ आपको मैं बताऊँगी। तो अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको प्राइमरी कलर व्हील और किस तरीके से प्राइमरी कलर को आपस में मिक्स करके हम सेकेंडरी कलर बनाते हैं वो, और प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करके इंटरमीडिएट कलर बनाते हैं किस तरीके से, वो मैंने आपको डिटेल से बताया था। इसके अलावा तीन कलर से छः कलर और छः से बारह कलर बनाने के बाद, यानी प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर और सेकेंडरी कलर से इंटरमीडिएट कलर बनाने के बाद, मैंने हर कलर की आपको टिंट, शेड और टोन बनानी बताई थी। यानी किसी भी कलर को लाइट करने के लिए वाइट कलर के अंदर हम कलर को ऐड करते हैं तो वो चीज़ टिंट कहलाती है। ग्रे कलर के साथ जब हम किसी भी कलर को ऐड करते हैं तो वो चीज़ टोन कहलाती है। कलर के साथ जब हम ब्लैक ऐड करते हैं तो वो चीज़ शेड कहलाती है। आज मैं आप लोगों को कलर मिक्सिंग में कुछ और न्यू कलर्स बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो कलर हैं इसमें है वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, ब्लू और ग्रे। इसके अलावा ब्रशेस चाहिए होंगे आपको, ब्रशेस आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं। टिश्यू पेपर चाहिए होगा, कलरिंग प्लेट चाहिए होगी और ब्रश को साफ करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो कलर बनाना बता रही हूँ वो है ऑलिव ग्रीन। और ऑलिव ग्रीन कलर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं येलो कलर। यहाँ पे मैं लगाऊंगी येलो कलर। ऑलिव ग्रीन जो कलर है ये येलो और ब्लैक से मिलके बनता है, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्लैक कलर। अब मैं आपको इसकी कलर मिक्सिंग बताऊंगी। तो जब हम दो कलर को मिला के तीसरा कलर बनाते हैं तो पहले हम लेते हैं लाइट कलर। जैसे यहाँ पे येलो और ब्लैक में मेरे पास है येलो कलर, जो है वो लाइट कलर है। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी हम ब्लैक कलर की ऐड करेंगे। जब आप कलर मिक्सिंग में ब्लैक कलर को किसी कलर के साथ ऐड कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ का ये ख्याल रखना पड़ता है कि ब्लैक कलर में ये क्वालिटी होती है, ये क्योंकि सबसे डार्क कलर होता है तो इसमें क्वालिटी होती है, तमाम कलर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो जहाँ कहीं भी कलर मिक्सिंग में हम ब्लैक कलर को किसी कलर के साथ ऐड कर रहे होते हैं तो इसकी वहाँ पर क्वान्टिटी बिल्कुल मामूली सी लेते हैं। इसको पहले मिक्स करके देखेंगे। अगर आपको लगता है कि जो कलर आप चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ब्लैक कलर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑलिव ग्रीन कलर। अब मैं आपको बनाना बताऊंगी ब्राउन कलर, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि जो ग्रीन कलर है वो येलो और ब्लू को मिलाने से बनता है। यानी दो प्राइमरी कलर येलो और ब्लू जब हम दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो जो हमें कलर मिलता है वो होता है ग्रीन कलर। तो यहाँ पे मेरे पास ये ग्रीन कलर है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर और रेड कलर को आपस में मिक्स हम करेंगे तो हमारे पास बनेगा ब्राउन कलर। तो इन दोनों में से जो भी कलर आपके पास लाइट हो पहले उसको डालिएगा। ग्रीन और रेड को मिक्स करके हम ब्राउन कलर बनाएंगे। इसके अंदर आपको एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर जैसे आप वुड ब्राउन कलर बनाना चाहते हैं तो ग्रीन कलर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और रेड की कम होगी, और अगर आप रेडिश ब्राउन कलर बनाना चाहते हैं तो रेड कलर की क्वांटिटी ज़्यादा और ग्रीन की कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कलर लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको रेडिश ब्राउन और वुड ब्राउन दोनों कलर बनाना बताऊंगी। इस वाले हिस्से में मैंने ग्रीन ऊपर आगे की तरफ लगाया है क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रीन की क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगी, और इस वाले में मैं ग्रीन कलर थोड़ा आगे की तरफ करके लगा रही हूँ क्योंकि इसमें जो है वो मैं रेड कलर की क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगी।
तो रेडिश ब्राउन और वुड ब्राउन कलर दोनों में आपको बता रही हूँ। ये आ गया रेड कलर और यहाँ पे भी लगा दिया है मैंने रेड कलर। अब ये है मेरे पास इधर ग्रीन कलर, इसमें मैं डाल रही हूँ पहले रेड कलर। ये आ गया हमारा वुड ब्राउन कलर, इसमें ग्रीन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है और रेड की क्वांटिटी जो है वो हमने कम रखी है। अब इसी में ही मैं रेड की क्वांटिटी मज़ीद बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है अब रेडिश ब्राउन कलर। अब अगर हमें बनाना हो इसके अंदर स्किन कलर, तो स्किन कलर कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ बनाना। यहाँ पे मेरे पास है ये वाइट कलर, यहाँ पे लगाएंगे वाइट कलर। किसी भी कलर का जिस वक्त हमें लाइट कलर बनाना होता है तो उस वक्त हम उसको वाइट कलर के साथ ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ब्राउन का लाइट शेड करना बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगाया है वाइट कलर। अब वाइट कलर के अंदर जो है मैं ये जो ब्राउन कलर है इसको थोड़ी मिकदार में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे लगाएंगे ब्राउन कलर, यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर और यहाँ पे ब्राउन कलर लगाया है, व्हाइट के अंदर ब्राउन कलर ऐड करा है तो ये कलर बना है। अब मैं आपको बनाना बता रही हूँ मस्टर्ड कलर, और मस्टर्ड कलर के लिए पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ येलो कलर। येलो कलर और ब्राउन कलर से मिलके बनता है मस्टर्ड कलर। येलो में बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ब्राउन ऐड करा है तो ये आ गया है मेरे पास मस्टर्ड कलर। अब मैं आपको बनाना बता रही हूँ रस्ट कलर। रस्ट कलर बनता है ऑरेंज और ब्राउन से, और इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर बनाना मैंने आपको पहले बताया था कि येलो कलर के अंदर थोड़ा सा रेड कलर ऐड करते हैं तो बनता है हमारे पास ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पहले ऑरेंज कलर। दूसरा कलर है हमारे पास यहाँ पे ब्राउन कलर। ऑरेंज और ब्राउन को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो बनता है रस्ट कलर। अब मैं आपको बनाना बता रही हूँ पर्पल कलर। पर्पल कलर बनाने के लिए पिंक और ब्लू को आपस में मिक्स करते हैं तो पर्पल कलर बनता है। तो यहाँ पे पहले मैं लगा रही हूँ पिंक कलर। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लू कलर। ब्लू और पर्पल को जिस वक्त आपस में ऐड करेंगे तो बनेगा रॉयल ब्लू कलर। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्लू कलर और ब्लू कलर में ऐड करेंगे पर्पल कलर। पिंक और रेड कलर को जिस वक्त हम आपस में मिक्स करेंगे तो हमें जो कलर मिलेगा वो होगा चिली रेड। किसी भी कलर
के लाइट शेड को बनाने के लिए वाइट कलर यूज किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ग्रे कलर बनाना, ये वाइट और ब्लैक को मिलाने से बनता है। तो पहले हम लेंगे वाइट कलर और उसमें डालेंगे ब्लैक कलर, तो ये बनेगा हमारे पास ग्रे कलर। आप ग्रे का शेड जितना डार्क करना चाहें वैसे वैसे आप वाइट कलर के अंदर ब्लैक कलर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये कंप्लीट है। अब आप इस तरीके से किसी भी दो कलर को मिला के तीसरा कलर बना सकते हैं। कलर मिक्सिंग करते वक्त बस ये ख्याल रखिएगा, जब हम दो कलर को मिला के तीसरा कलर बनाते हैं तो हमेशा लाइट कलर पहले लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डार्क कलर ऐड करके मिक्स करके उसको चेक करते रहते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।